Radhe Radhe, Hare Krishna, welcome back. So before starting the video, I would really like to thank Dr. Alba from University of Siena. She is the one who really helped me to find out the hormonal imbalance in the body and which helped me to connect all these things to the astrological significations of the body and how does like the amalgamation work. So I'm really grateful to her for talking to me for three and a half, four hours, answering all my questions and helping me to find the real meaning behind the real things. She's a doctor. She has graduated from University of Siena four months ago, and she's a practicing doctor. And it was I'm really grateful that she helped me with all those things. Marco is the guy who connected me with her. So again, thank you, Marco. And a lot of research has been gone in this video. So I hope you like it. Radhe Radhe, Hare Krishna, welcome back. तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिया गया है पिछले वीडियो के कमेंट में किसी ने आ, लिखा था कि एक्सेसिव मास्टरबेशन पेशन पॉन क्यूटिंग पर कोई वीडियो बननी चाहिए और मुझे लगा कि ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है एट द सेम टाइम ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के यूथ के लिए कि किस तरीके से इससे बाहर आया जा सके एट द सेम टाइम ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं आपके हॉरोस्कोप में जो आपको इन सारी चीजों की तरफ लेकर जाते हैं शुक्र और जुपिटर जैसे जो प्लानट्स होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में इनको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया जाता है आप देखेंगे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो या तो वो आपको राहु के नाम से डराएंगे या तो वो केतु के नाम से डराएंगे या तो मैक्सिमम आपको बोलेंगे कि आप मांगलिक हैं आपके साड़ी साथ चल रही है ये सारी चीजें बोलेंगे बट जुपिटर और वीनस जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं जो सारी अच्छी चीजों को दर्शाते हैं उनको हम वेस्ट करते जाते हैं लाइफ में वेस्ट किस तरीके से करते हैं आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं आप अपने शुक्र को वेस्ट करते हैं आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं रिलेशनशिप में आप अपने शुक्र को वेस्ट करते हैं आप अपने गुरु को धोखा दे देते हैं आप अपने जुपिटर को वेस्ट कर रहे हैं कोई आपके साथ अच्छा आप पे भरोसा करके कोई आपको दो बात बताता है और वो दो बात आप जाकर दुनिया में फैला देते हैं आप अपने जुपिटर को वेस्ट करते हैं अच्छे कर्मों के जो प्लैनेट्स हैं वो आपको बहुत कुछ अच्छा देते हैं लाइफ में बट उन चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं एट द सेम टाइम डरते हैं सारे क्रूर प्लैनेट्स हैं जबकि प्रॉब्लम आपको क्रूर प्लैनेट दे रहे हैं पर आपको सपोर्ट अच्छे प्लैनेट्स को भी करना चाहिए अपने हॉरोस्कोप में ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक योगों की मास्टरबेशन और एक्सेसिव पॉन आपके कौन से बॉडी के हार्मोन्स पे अफेक्ट करेगा और वो हार्मोन्स कौन से प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से एक्सेसिव मास्टरबेशन आपकी कुंडली को लिटरली डिस्ट्रॉय कर कर सकता है और आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट्स देखेंगे कि उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं और एंड में देखेंगे कि रेमेडीज ऐसी क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं जिन रेमिडीज से आप ये सारी चीजों से बाहर आ सकें तो अगर मंगल देव आपके पहले भाव में आपके पंचम भाव में सप्तम भाव में अष्टम भाव में और बारहवें भाव में बैठे और अगर वो सूर्य से कम्बस्टेड नहीं है एंड इफ एस्पेक्टेड बाय वीनस अगर वीनस के एस्पेक्ट में या वीनस के नक्षत्र में तो ये एक बहुत ज्यादा हाई सेक्स ड्राइव देता है इंसान को स्पेशली अगर मार्स जेमिनाई में है या फिर स्कॉर्पियो में है तो भी ये आ, हाई सेक्स ट्राइव देता है अब अगर आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट दिफ्रे, करना है कि इंसान का इंटेंट क्या होगा सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ तो इसी तरीके से आप देखेंगे मंगल अगर जेमिनाय में बैठा है और वीनस ने उस पर एस्पेक्ट डाल दी तो आप देखेंगे ऐसा बंदा होगा जो मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि आप जमिनाई के साइन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर दो बंदे हैं ही वॉन्ट्स मल्टीपल पार्टनर्स अगर यही स्कॉर्पियो में अगर है तो ये हिडन एनर्जी है किसी आउटकास्ट वाले को डेट करना या फिर किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप बनाना जो दुनिया को ना पता हो और डीप और इंटेंस रिलेशन मार्स और वीनस का कंजंक्शन अगर हो जाए लीब्रा में तो भी ये कहीं ना कहीं हाई सेक्सुअल एनर्जी को डिराइव करता है एट द सेम टाइम मार्स और वीनस का कंजंक्शन कुंडली में कहीं भी बट लीब्रा और जेमिनाय में हो तो ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी डिपिक्ट करता है राहु और मार्स पंचम भाव में हो और वीनस इलेवेन से आस्पेक्ट कर ले ये भी एक बहुत प्रबल योग है राहू वीनस और मार्स ये एथ सेवेंथ और ट्वेल्थ में अगर ये भाव बन जाए तो भी ये एक बहुत ज्यादा मेलिफिक कॉम्बिनेशन हो जाता है कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी के लिए ऐसे जो बंदे होते हैं ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं सेक्स में और फिर ये अपने आप को भी कहीं ना कहीं हार्म कर देते हैं उस ऐसी सब चीजों में वीनस मार्स और राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए ये उत्तेजना को तो बढ़ाते ही है बट इन तीनों में से अगर एक भी प्लान डेबिलेटेड हो जाए फॉर एग्जाम्पल यही योग वीनस मार्स और राहू का जो योग है ये अष्टम स्थान पर बन जाए तो यहां पर राहु डेबिलेटेड हो जाते हैं एट द सेम टाइम मंगल भी यहां पर कंफर्टेबल नहीं है मंगल की भले ही स्वराशि हो स्कॉर्पियो बट मंगल स्कॉर्पियो में कंफर्टेबल नहीं होते बिकॉज एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और यहां पर वाटर एलिमेंट है जो मार्स के लिए नहीं बना है तो ऐसे जो बंदे होते हैं ये फिर कहीं ना कहीं इन सब चक्रों के पीछे रेप्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये जो भी चीजें हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं एट द सेम टाइम शुक्र अगर बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हो गया या फिर जुपिटर के आस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है तो ये और भी ज्यादा खराब हो जाता है तो समझने की बात यह है कि वीनस मार्स और राहू का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहाँ पर कहीं पर भी बने और तीनों में से कोई भी एक प्लानेट अगर डेबिलिटेड हो जाए तो ये बहुत खराब योग होता है मून एंड राहू आस्पेक्टेड बाय वीनस ये कहीं ना कहीं ये भी योग है जो आपको पूरे दिन वैसे ही ख्यालातों में वो आपको उलझाए रखता है और जहां पर भी राहु इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर पॉन इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर डिजिटल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी ऐसे लोग जो देखेंगे जो ओनली फैंस होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों के थ्रू जो काम करते हैं यहां पर अगर राहू का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो चीज़ें वैसे भी बढ़ जाती है बट ऑनलाइन चीजें भी अब बढ़ जाती हैं जब वीनस सन और राहु सेवंथ हाउस में बैठ जाए ये भी एक बहुत खराब योग है ये ये योग क्लियरली एक्स्ट्रा मैरिटल का भी होता है एट द सेम टाइम ये योग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यही वो लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में आपको ये प्रोस्टिट्यूशन में दे गए ये लोग के पास पैसा बहुत अच्छा आता है वीनस और सन साथ में बैठकर वैभव योग बनाता है एट ये लोग मीडिया में अच्छा काम कर लेते हैं बट फिर से वही ग्लैमर इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट तो ये योग खराब है अगर ये कुंडली में जो भी योगों की मैंने बात की इस पर अगर मर् ये मर्क्यूरी के नक्षत्र में बने या मर्क्यूरी की आस्पेक्ट इन पर गिर जाए सैटन की आस्पेक्ट इन इन पर गिर जाए तो ये काफी हद तक कम हो जाता है या फिर कंजंक्शन हो जाए तो भी काफी हद तक कम हो जाता है यही योगों के साथ अगर मर्क्यूरी आ जाए तो ये इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम दे देता है मार्स वीनस राहु एंड मर्क्यूरी अगर ये साथ में आ गए तो ये इंपोर्टेंसी की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है ओवरऑल चीजें चेक करनी पड़ती है बट हम बेसिक योगों की अब बात कर रहे हैं आप देखेंगे कि राहु लग्न में हो और वीनस अगर हाउस में चले जाए और वीनस अगर राहु के नक्षत्र में चले जाए फिर भी यह भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अगर आपके चार्ट में ऐसे टाइप के कोई भी कॉम्बिनेशन है इसके अलावा भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बट ऐसे टाइप के कोई कॉम्बिनेशन है तो आपको संभलने की जरूरत है और आपको आपको ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ें मुझे खींच रही हैं बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपके शुक्र को एट द द एंड ऑफ डे डिस्ट्रॉय करेंगी कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं आप ये फैक्ट्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि हंड्रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो होता है वो एक ड्रॉप ऑफ सीमन बनाता है वन ड्रॉप ऑफ सीमन इज हंड्रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड और एक ड्रॉप ऑफ सीमन के अंदर देर आर फाइव मिलियन टू सेवन मिलियन स्पर्म्स तो वो एक ड्रॉप में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक नए नए बच्चे को जन्म दे सकता है एक नया बर्थ क्रिएट कर सकता है उस पम्प में इतनी ताकत होती है एंड दैट इज द न्यूट्रिएंट फॉर योर ब्रेन एज वेल तो कुंडली में अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो आपका मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट हो जाता है और वो आपके दिमाग पे असर करता है अगर इसकी इफेक्ट्स की बात करेंगे कि बॉडी पे ये सारी चीजों के क्या इफेक्ट्स होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वीक फील होगा आपकी बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएंगी आपको कॉन्फिडेंस में कमी आएगी एक गिल्ट की फीलिंग होगी कॉन्सेंट्रेशन आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा एक्सेसिव मास्टरबेशन आगे जाकर नाइट फॉल की प्रॉब्लम देगा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देगा इरिटेशन की प्रॉब्लम देगा एग्रेशन देगा लॉस ऑफ हेयर जिनको जिनको जिनके बाल उतर रहे हैं बाल की बहुत ज्यादा थिनिंग हो रही है ये सारी प्रॉब्लम्स देगा फटीक देगा मेमोरी लॉस देगा और फजी विजन देगा फजी विजन के आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं यूएस में के एक्सेसिव मास्टरबेशन के बाद लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रियट्स जो होते हैं जो ब्लड का काम क्या होता है आपकी कुंडली में मंगल का काम ही ये है कि वो सारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को जमा करता है एट द सेम टाइम पानी के साथ मिक्स होकर पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उन पानी के थ्रू ब्लड के साथ जो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्शन है वो ब्लड का काम होता है और हंड्रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से एक ड्रॉप ऑफ सीमन बनता है और उस सीमन को अगर आप वेस्ट करते हो इस क्वांटिटी में तो वो आपकी बॉडी को अंदर से कंप्लीटली खोखला बना देता है तो जो एक्सेसिव पॉन वॉचर्स होते हैं वो एक वीडियो पर नहीं रुकते वो एक के बाद एक वीडियो देखते जाते हैं और ये जो ड्यूरेशन होता है ये ड्यूरेशन बहुत कम टाइम का होता है 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के बाद वो लोग वीडियो चेंज करते हैं मिनट के बाद वीडियो चेंज करते हैं तो अब होता यू है कि जो डोपोमीन का लेवल है जो आपको पहले जो सेटिस्फैक्शन एक वीडियो में आ रहा था अब आपको वो दो वीडियो में भी नहीं आएगा अब आपको वो तीन वीडियो में भी नहीं आएगा और धीरे धीरे करते करते वो डोपोमीन का जो लेवल है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा और आप सेटिस्फैक्शन के पीछे इतना ज्यादा दौड़ेंगे आपका बॉडी उतना ही ज्यादा डोपोमिन रिलीज करेगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे इट विल टर्न इनटू एडिक्शन इट इज एक्जैक्टली सेम लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट पहले दिन आप एक सिगरेट स्मोक करते हैं आपको एक हफ्ते तक ठीक लगता है उससे किक मिलती है आपको सब अच्छा लगता है सेकेंड वीक में वही एक सिगरेट आपका काम नहीं कर सकती क्योंकि अब आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी वो

एक एंथुजियाजम होता है वो चीजों में आप खुश होते हैं ऐसी सब चीजों को देखकर जो इंसान एक्सेसिव मास्टरबेशन करता है या फिर जो इंसान एक्सेसिव पॉन देखता है उसकी लाइफ से ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ये थ्रिल खत्म हो जाता है आप हमेशा देखेंगे कि वो वीक है वो अंडर कॉन्फिडेंट है और उसको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसको ऐसे लग रहा है कि लाइफ खत्म हो चुकी है बिकॉज सिर्फ डोपोमिन नहीं होता आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है आपके बॉडी में वैसोप्रेसिन होता है एंडोरफिन होता है सेराटोनिन होता है ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी बॉडी को बैलेंस्ड बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन हार्मोन्स को हम आगे जाकर अभी डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा जो हार्मोन होता है वो कौन से प्लानिट को डिपिक्ट करता है और मास्टरबेशन और एक्सेसिव पॉन वॉचिंग किस तरीके से आपकी पूरी कुंडली को खत्म कर सकती है और आपके पूरे आपके पूरे अस्तित्व को खत्म कर सकती है दिस इज जस्ट लाइक कैंसर फॉर योर ब्रेन जब आप अपने डोपामीन को अपने बॉडी को डोपोमिन सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आप एक्सेसिव चीजें करना शुरू कर देते हो और उसके वजह से जो सबसे पहली चीज आपके बॉडी में होती है जो एंडोर्फिन होते हैं आपके बॉडी में जो आपके स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं ये पर्टिकुलर हार्मोन्स जो होते हैं एंडोर्फिनस ये आपके बॉडी में स्ट्रेस को रिलीव करते हैं तो लोगों को लोगों का लोगों का ये कहना होता है कि जब वो मास्टरबेशन करते हैं उसके बाद उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस उनका रिलीव हो जाता है या फिर उनको ऐसे लगता है कि कि अब मुझे टेंशन नहीं रहा अब मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं एंडोर्फिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तब आपकी बॉडी अपने आप वो केमिकल रिलीज करे ताकि आप एक बैलेंस्ड पोजिशन में आ सके अगर आप इसको आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी में जो के जो स्टोरेज होता है वो खत्म होते जाता है धीरे धीरे और फिर उसके बाद जब आपको रियल स्ट्रेस आएगा जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो आप में वो विल पावर नहीं बचेगी उसको हैंडल करने क्योंकि बॉडी में केमिकल तो बचा ही नहीं आपके बॉडी में जो उस चीज को आपसे फेस करने में आपकी आपको जो ताकत देगा वो केमिकल अब खत्म हो चुका है ये सारे चक्कर में तो ये जो एंडोरफिन जो है ये बॉडी में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं क्योंकि जुपिटर इज योर हैप्पीनेस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट सेवस यू फ्रॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि जब एक्सरसाइज स्ट्रेस हो जाता है कई बार आपकी एग्जाम्स होती है एक हफ्ते में एग्जाम आने वाली है दो दिन बाद एग्जाम आने वाली है तो आप स्ट्रेस में होते हो तब तब ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने में तो अगर आपको कोई भी चार्ट में अगर आपको मेंटल इलनेस देखे या फिर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम देखे मेंटल इश्यूज से रिलेटेड तो आप देखेंगे कि जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट हो जाता है और उनके बॉडी में एंडोरफिन्स की कमी हो जाती है इस पर्टिकुलर हार्मोन की जिसकी वजह से वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो एंडोरफिन्स कुंडली में आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का हार्मोन है जो जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है तो जुपिटर अगर कुंडली में अफ्लिक्ट हो गया तो आप देखेंगे कि ये हार्मोन इंबैलेंस आपको देखने मिलेगा सेम तरीके से जो डोपोमिन होता है वो राहु का कारक होता है टेम्प्ररी हैप्पीनेस होती है आपकी एक्साइटमेंट होती है लाइफ में आपको एवरी डे सेराटोनिन नहीं मिलने वाला है एवरी डे आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है एवरी डे आपके साथ कुछ बड़ा नहीं होने वाला है लाइफ में ऐसे बहुत कम एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप परमानेंट हैप्पीनेस महसूस कर सकते हो फॉर एग्जांपल जब आप घर लेते हो जब आप कोई बहुत बड़ी एग्जाम अपने करियर के लिए क्रैक करते हो जब आपका फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है जब आपकी शादी होती है जब आपके पेरेंट्स कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं या फिर आप किसी बीमारी से बाहर आ जाते हो आपके क्लोज वंस का कुछ बहुत अच्छा हो जाता है दीज आर द टाइम्स वेन यू फील एक्सेसिव uh, हैप्पीनेस जब आपको बहुत ज्यादा अच्छे हैप्पीनेस महसूस होती है तब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो सेरोटोनिन इस कुंडली में को किसी भी कुंडली में अगर आपको सेरोटोनिन देखना है तो उसको सैटन की पोजीशन देखनी होती है इसीलिए डेबिडेटेड सैटन वाला जो बंदा होता है उसके अंदर पेशेंस कम हो जाता है यहां पर मार्स का तत्व बढ़ जाता है तो बहुत जल्दी इरटेट हो जाता है उसमें पेशेंस नहीं आ पाता तो कुंडली में आप देखेंगे अगर सेरोटोनिन के किसी में प्रॉब्लम है तो उसका सैटन आपको अफ्लिक्शन में मिलेगा ऑक्सीटोसिन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स जब इंसान एक्सेसिव मास्टरबेशन करता है तब उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है उधर जाके जो अगर आगे जाकर फिर और दिस कैन चेंज इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में सैटन का कारक होता है वैसोप्रेसिन जो होता है वो मार्स का कारक है कुंडली में वो इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर इन द बॉडी जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो बॉडी एक अपने आप गर्मी प्रोड्यूस करता है और एक नेचुरल फ्लो ऑफ यूरिन जो है वो भी कहीं ना कहीं आप वैसोप्रेसिन से देखते हो तो ये चार पांच मेजर हार्मोन्स है जो आपके एक्सेसिव पॉन वॉचिंग से और एक्सेसिव मास्टरबेशन से जो अफेक्ट होते हैं और ये आपके डे टू डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो आपको रेगुलर लाइफ में बैलेंस रहने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तब तो आप ये सारे के सारे प्लैनेट्स को अफेक्ट कर रहे हो एट द सेम टाइम आप अपनी पूरी कुंडली को खत्म कर रहे हो बिकॉज ऐसे ये तो बेसिक है जो जिसके बारे में मैं रिसर्च कर पाया है जिसके दो डॉक्टर से भी बात करी है इस बारे में उन्होंने भी मुझे सेम बात बताई एट द सेम टाइम इंटरनेट पर जो रिसर्च की उससे भी ये काफी मिलता जुलता है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप पूरी कुंडली को अफेक्ट कर रहे हैं आप अपने सिर्फ वीनस और राहु को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं एट द सेम टाइम आप सारे प्लैनेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो अगर कोई आपको ये कहे कि आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करेंगे तो सिर्फ आपका शुक्र खराब होगा बाकी तो जुपिटर तो है ही आपको संभाल लेगा या फिर सैटन तो आपका बहुत अच्छा है आपका सैटन एग्जॉल्टेड स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपनी पूरी कुंडली को खत्म कर रहे हैं तो अब रेमेडीज की बात करते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ों में फंस चुके हैं या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन की आप ऑन वॉचिंग की आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे किस तरीके से बाहर आ सकते हैं इसको फिर से एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करनी होगी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में कोई प्लानट खराब बैठा हुआ है और आपकी कुंडली में कोई प्लान बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप खराब प्लेनेट पर काम करो या तो फिर अच्छे प्लैनेट से सपोर्ट लेकर अपने आप को खाली उस प्रॉब्लम से एक बार निकाल दो और फिर आप अपने बुरे प्लैनेट के साथ आप डील कर सकते हो उसकी रेमेडीज कर सकते हो यही हमें करना चाहिए कहीं बार क्या होता है कि इंसान जो खराब प्लेनेट होता है उसके पीछे स्टकअप हो जाता है और फॉर एग्जांपल किसी का सैटन खराब है अब आपको सैटन धीरे धीरे रिजल्ट्स देगा आपको सालों तक उसकी रेमिडीज करनी पड़ेगी और फिर आप कहीं ना कहीं जाके देखेंगे कि आप उस कर्म से ऊपर आ पाए बट एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई प्लैनेट अच्छा बैठा है तो आप उसे सपोर्ट ले सकते हो कुंडली में हर एक की कुंडली में जुपिटर एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अल्ट्रा बेनिफिक प्लान होता है कुंडली में जहां पर भी आपका जुपिटर बैठा हुआ है आप वहां से मदद ले सकते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का फॉर एग्जाम्पल किसी को एक प्रॉब्लम है और जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आपको किस चीज से मदद मिलेगी लिस्निंग टू पॉडकास्ट मेडिटेशन आपको एक पर्टिकुलर अगर कोई नक्षत्र में बैठा है तो आपको उस मंदिर जाने से शांति मिलेगी आपका जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको वर्कआउट से मदद मिल सकती है माउंटेन्स के पास जाकर आप रहेंगे थोड़े दिन अपने आप अपने आपके साथ समय बिताएंगे सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको उससे हेल्प मिल सकती है यहां पर आपको समझना है कि आपका जुपिटर कुंडली में कहां बैठा है वहां से आपको दैट इज द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट हेल्प एट द सेम टाइम जुपिटर को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है फॉर एक्जाम्पल थर्ड हाउस में आपको जुपिटर और मार्स मिल जाए और आपको शुक्र की कंडीशन अगर कुंडली में खराब है या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन की तरफ इंसान जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो आपके लिए वर्कआउट इज द वे मेडिटेशन आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितना आपको वर्कआउट हेल्प कर पाएगा यहां पर तो उस तरीके से आपको देखना है कि आपके जुपिटर की नेटल पोजिशन कैसी है आपको उस जगह से आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परमानेंट हैप्पीनेस पे आपका फोकस होना रादर देन टेम्प्ररी हैप्पीनेस कुछ परमानेंट चीज के लिए अगर आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो वैसे भी आपकी ये सारी एडिक्शंस जो हैं या फिर ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएंगी वीनस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ये पूरे के पूरे सिनारियों में तो वीनस जो है वो दैत्य गुरु है और जुपिटर जो है वो देव गुरु है बट ये, ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मिलन नहीं होता अगर आप जुपिटर और वेल्थ तो आपको दे देगा बट आपको घुटने में प्रॉब्लम देगा आगे जाकर सो दिस इज द कॉम्बिनेशन वेर टू द टू ऑफ्स एनिमी प्लान बट देन टू वीनस गेट्स एक्सोल्टेड इन द हाउस ऑफ जुपिटर शुक्र देव जो है वो पाइसिस में जाकर ही एक्सॉल्ट होते हैं तो भी अगर कोई कुंडली में एग्जॉल्टेड वीनस देखे और अगर वो ये बात करे कि इसको एक्सेसिव सेक्सुअल आदतें हैं या फिर इसको एक्सेसिव ये सब वो सारी चीजों में डूबा हुआ है तो ये गलत है कहीं ना कहीं वीनस स्पाइसिस में अफ्लिक्टेड होना चाहिए राहु से या फिर कोई प्लानट से तब जाकर आपको वो उस तरह की चीजों में लेकर जाता है वीनस और जुपिटर फ्रेंड्स नहीं है बट एट द सेम टाइम वीनस का जो रूट है वीनस का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो पाइसिस है क्यों पाइसिस है बिकॉज पाइसिस ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप हर एक चीज दे देते हो जो कि है जुपिटर का घर एट दी एंड ऑफ द डे तो आप समझेंगे कि वीनस इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर वीनस इज अ रियली स्पिरिचुअल प्लान जिसका कोई नहीं उसका शुक्र ये लाल किताब में लिखा गया है आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं अपना छोटा मोटा बिजनेस चालू करते हैं मेकअप का, का काम करते हैं बैंगल्स बेचने का, का काम करते हैं लेडीज घर चलाती है घर घर जाकर डब्बा बेचती है किसी छोटी चीज की एजेंसी ले लेती है ये सारे शुक्र के काम है शुक्र इन इन लोगों को जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो छोटे मोटे काम करके जो आगे बढ़ते हैं जो बेसिक काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं शुक्र के अंडर आता है तो शुक्र सिर्फ लग्जरी सिर्फ बॉलीवुड सिर्फ हॉलीवुड ये सारी चीज़ों को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता वो ऐसी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है जो स्क्रैच से आती है तो जो बेसिक रेमिडीज जो हर एक इंसान कर सकता है अपने एक्सेसिव मास्टरबेशन या फिर एक्सेसिव पॉन वॉचिंग से ऊपर आने के लिए वो है पहली तो है बेसिक मेडिटेशन अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब होता ही है कि आपकी बॉडी में से सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होने लगता है और जो डोपोमीन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर डोपोमीन जो है वो आपका टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है और सेरोटोनिन है वो आपका परमानेंट सेटिस्फैक्शन एंड है परमानेंट हैप्पीनेस है तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तब आपको बहुत इम्पेशेंट फील होता है बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं बट अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आधे घंटे तक इस जगह पे से अभी नहीं उठूंगा तो आप देखेंगे कि वो सेरोटोनिन रिलीज करता है धीरे धीरे बॉडी क्योंकि आप हट्टी हो जाते हैं अभी जिससे आपका सैटन इंप्रूव होता है तो पहली तो रेमेडी है मेडिटेशन सेकंड रेमेडी है कोल्ड शावर्स लेना अगर आप कोल्ड शावर रेगुलरली लेते हैं तो आपके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ते जाता है और रेगुलर कोल्ड शावर लेना इज नॉट ईजी ये बहुत ईजी लगता होगा बट अगर आप रेगुलरली कोल्ड शावर लेते हैं मैं काफी टाइम से रेगुलरली कोल्ड शावर ले रहा हूँ आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है जब आप सुबह सुबह उठते हैं जब आप नहाने जाते हैं तब ठंडी में एक कोल्ड शावर लेना मतलब इट इज समथिंग लाइक जिसके लिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉग होती है जिससे आपका मार्स बेटर होता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और धीरे 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 करके जो एग्रेशन है आपका वो कम होते जाएगा बट एट द सेम टाइम आपकी डिसीजन जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगी थर्ड जो चीज है ये नाइट फॉल वालों के लिए जिनको नाइट फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत लोग बोलते हैं कि अब, अब कितना टाइम हो गया छह महीने हो गए सात महीने हो गए जब उनको 10 10 साल का आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ नाइट फॉल होने ही वाला है अगर आप इस चीज़ को करोगे तो तो शीर्षासन एक बहुत अच्छी रेमेडी है रेगुलर बेसिस पे अगर आप शीर्षासन करते हो तो उससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे आपकी आंखें भी अच्छी रहेगी और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इस चीज से आपका नाइट फॉल रुकेगा दिस इज द वे दैट यू हेल्प योर स्पर्म टू रीच टू योर ब्रेन एंड ऑल दो न्यूट्रिय विच योर ब्रेन नीड्स टू तो इसी प्रक्रिया के थ्रू आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन को चाहिए वो स्पर्म के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं जब आप शीर्षासन करते हैं एट द सेम टाइम अगर आप रेगुलरली सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जिससे आपका मनोबल बहुत ज्यादा मजबूत होगा और आपको हेल्प मिलेगी ये बेसिक रेमिडी है जो आप कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपको और रेमिडीज फाइंड आउट करनी है कि आप किस तरीके से इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो तो आपको आपको अपने नेटल जुपिटर को चेक करना है और जुपिटर को कौन से प्लान सपोर्ट कर रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में आपको वो चेक करना है सो दैट्स इट फॉर टुडे Uh, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को शेयर करें और जो इस वीडियो से बेनिफिट कर सकता है स्पेशली उनके साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग